अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो चलिए ईद का व्लॉग आज से ही स्टार्ट करते हैं। चांद दिख गया है, चांद मुबारक आप सभी को। और फॉरेन कंट्री में आज ईद है तो ईद मुबारक। और बस अभी चलिए आज का काम शुरू करते हैं। सुबह में मैंने बाद में लगाई थी तो कपड़े हुए हैं। अभी मनीषा को बोली हूँ सूखने डालने के लिए, तो देखते हैं उसने डाली कि नहीं। और फिर यहाँ पे डोर पे से, क्योंकि डोर पे इतने सारे कपड़े इन लोग लगा देते हैं ना, आते जाते हैं सारे कपड़े और एक भी कपड़ा उठाएंगे नहीं। हाँ अभी जैसे कि मेरा कि स्कूल अब 2 महीने का छुट्टी है, लेकिन ये उठाएगी नहीं यहाँ से। ये देखो मैं सब कपड़े उठा के आपको देखती हूँ, दिखाती हूँ। देखो शानदार दिखाई दे रहा है, लाइट ऑन करो अपनी। देखो चांद नजर आ गया है, हाँ माशाल्लाह। हम लोग सब चांद देखने आए हैं। देखा आप चांद अलमी? अभी वो रूम साफ कर रही थी, मैं सोची बेडशीट वगैरह रात में ही डाल लेती थी, क्योंकि सुबह में फिर सब गड़बड़ हो जाती। बेडशीट खोली क्योंकि मेरे पास नई बेडशीट थी, तो हम लोगों ने बेडशीट लिए नहीं, न्यू बेडशीट मेरे पास रखी हुई थी तो मैंने खोली हुई थी। अब खोल के देख रही हूँ ना, तो उसके अंदर देखिए ये पोस्टर में दिखा रहा है पिलो कवर भी है और बेडशीट भी है। खोली ना तो सिर्फ बेडशीट है, पिलो कवर है ही नहीं इसका। अब दूसरी वाली भी बेडशीट खोल के देखते हैं। एक्चुअली वो कलर वो बेडरूम के हिसाब से सही था तो वो कलर ले लिए थे, और ये ब्लू वाला ये बेडरूम के हिसाब से। देखती हूँ इसमें है क्या, होप सो इसमें हो। हाँ इसमें है, उसमें बेडशीट इसमें है पिलो कवर, उसमें पिलो कवर ही नहीं है। ये देखो हमने हमारी बेडशीट चेंज, अब बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है। बेडशीट बड़ी प्यारी लग रही है, लेकिन कल शाम हो तक ये क्या ही इसकी हालत होंगी पता नहीं, पूरी वाइट है। कल शाम होने तक ये ब्लैक होके मिलेंगी। सारे बच्चे ये रूम में बैठेंगे, पूरी बेडशीट गंदी कर देंगे। चलो आगे का मैं दूसरा काम करती हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी, इसके पिलो कवर नहीं थे तो फिर अभी ये मैच करके ऐसे लगा दी हूँ। और बस अभी कपड़े तो निकालने का सोची थी, अभी टाइम हो गया 10:15 हो रहा है, तो अभी नहीं हो नहीं निकालती हूँ चाहे तो सुबह में निकालती हूँ उन लोगों के लिए कपड़े। और बस देखते हैं अभी सुबह में क्या करते हैं। अभी ये कपड़े भी मैं बोली देती इस तरीके तो वो हुआ नहीं, चाहे तो अभी सुबह जाते हैं, अभी थोड़ा देर आराम करते हैं। देखो अपने बहन का हाथ सुखा रहा, उसने मेहंदी लगा के आई ऊपर से, और इसने अब बच्ची ने लगा कर दी उसने, और ये आके पूरा निकाल दी, पूरा खस खस के निकाली है। अब इसके ऊपर अभी देखो अभी सोलती पिक्स वगैरह लगाना तो थोड़ा कलर आ जाएगा। पलटा दे। रात के अभी 11 बज रहे हैं, हम लोग अभी मटका कुल्फी खा रहे हैं। बिस्तर में है, सबको सोने का है, लेकिन मटका कुल्फी खाना है इनको। The next day. अरे हम रेडी हो गया, आजा बेटा। ऐ नहीं नहीं फोन में बनाने को अरमान का है ना, अरमान बना देगा। मैं भी रख के जा रहा हूँ। रख के जा रहा है क्या? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबको ईद मुबारक, आज ईद है। और सुबह सुबह हम लोग उठ गए, नमाज वगैरह सब हो गई, लेकिन सब लोग नमाज को जाने के लिए रेडी हो रहे थे, तो एक एक बच्चों को रेडी करो, अंकल को सब यानी रेडी तो नहीं लेकिन कपड़े निकालो, ये करो वो करो। रात में मैंने कुछ नहीं निकाली थी, रात में बहुत ही हो गया था, बेडशीट वगैरह चेंज करके मम्मी जाने दो, सुबह में करेंगे। सुबह में फिर एक एक का करते करते टाइम हो गया। अभी पहली जमात तो इन लोग को मिलेगी कि नहीं मिलेंगी, इन लोगों ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट कर दिया। हमारे 8 बजे और 9 बजे की है,
जहाँ पे इन लोग कब्रिस्तान में जाते हैं नमाज को, तो वहाँ पे 8 और 9 की जमात है। तो अभी तो इन लोग ने 7 घर में ही बजा दिए, तो पता नहीं अभी मिलती कि नहीं मिलती पहली जमात। देखते अभी निकले हैं अरमान निहान और इन लोग सब निकल रहे हैं, देखते बाहर स्वप्निल भी आ गया है, फजल और आमिर तो गए हैं एक्टिवा पे क्योंकि उन लोग को पहली जमात में जाना था, उन लोग चले गए तो हम लोग गए। और बालिल तो लोग जाएंगे तो फिर मैं जाती हूँ, मैं भी फ्रेश होती हूँ, नहाती हूँ और रेडी होती हूँ। मेरे घर लोग निकल रहे हैं नमाज के लिए, सामने के रोड पे है लोग, ये लोग तो चले गए हैं नमाज को, मैं भी जाती हूँ। पहले इधर का डाइनिंग क्लियर करते हैं, थोड़ा साफ़ सफाई करते हैं कि मनीषा आने तक के थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी तो सारा हमारी साफ़ सफाई हुई भी है, सिर्फ डाइनिंग पे कल के बर्तन वगैरह है वो सब क्लियर करते हैं, सोफ़ा सेट करते हैं, उसके बाद मैं जाती हूँ नहाने। काम करने जा कर रही थी अपना, उसमें एक ट्रेजेडी हुई, ट्रेजेडी ऐसा कुछ नहीं लेकिन ऊपर के घर का गैस का सिलेंडर ख़त्म हो गया है। और हमारे इधर ऊपर के घर में ही सेवई बनती है क्योंकि मम्मी बनाते हैं पहले से, अब बात है जब से हम लोग जॉइंट फैमिली में थे तभी भी हम लोग इसी में सेवई बनाते थे ऊपर के घर में, और बिरयानी भी ऊपर ही के घर में बनती थी। तो अभी सेवई मम्मी बना रहे थे तो बाटला ख़त्म हो गया, अभी सब लोग नमाज को गए हैं तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो अभी मेरे घर में से यहाँ से बाटला निकाल के ऊपर लेके जाएंगे। चलो ये भी करते हैं। लोग आ गए हैं नमाज से, मेरा बेटे ने भी नहीं मिला, मेरा बोलने पे क्या खुद याद सुन क्या है मेरे साथ में बात कर रहा है, मां याद नहीं है अभी तक भी मिल भी कहां रहा है, मां याद नहीं कोई ना, देखो अभी भी मिल रहा है, बोलता तो बोलते मेरे बाल भी गिर जाएंगे, अल्लाह कितना बड़ा झूठा है। पापा पापा मिल गए, वो कितने बुरे हैं बताओ। हमारी सेवई रेडी हो चुकी है, मम्मी सेवई बना चुके हैं, अभी हम लोग सेवई खाएंगे। मैं तो रेडी नहीं हुई लेकिन अभी अफजल आ गए तो हम लोग बैठ के सेवई खाते हैं। अभी ले हूँ मैं और होने वाली हूँ अभी रेडी, अभी रेडी नहीं हुई हूँ, अभी सेवई खाते हैं उसके बाद में रेडी होते हैं। देखो ये देखो अपी अपी रेडी हो गई है, आ जाओ माँ, अरे अच्छा थैंक यू, चल खा ले। माँ बेटी का है आप भेजिए नीचे, जरा एक काम कीजिए ना, वो आदमी आया हुआ ना अपना वो खुदा माँ, यह देखो हमारा वो वड़ा पाव अगर आ गया है, यहाँ पे मैं हूँ, ये है मेरा वाइट आउटफिट इसका, अब मैं रेडी होने के वैसे भी अभी बाकी हूँ। अच्छा आमिर गया था क्या, ओके ओके। ये देखो हमारे घर के बच्चे कैसे गेम खेल रहे हैं, देखो देखो देखो, ये देखो अब भी जा रही है, फोटो नहीं निकाल रही है, ना हाथ खींच, ना हाथ खींच रही है, अरमान जल्दी अरमान झगड़ो यहाँ पे हम सब पागल हो चुके हैं क्योंकि हमारे पास में करने के लिए कुछ नहीं है, लोगों के घर में बहुत ज्यादा मेहमान आते हैं, हमारे इधर इतने मेहमान कोई आते हैं नहीं,
हम जितने हैं उतने जितने हम दिख रहे हैं, हम हर साल भी उतने ही रहते हैं और पता नहीं कितने आगे कई सालों तक भी शायद उतने ही लोग मिलने वाले हैं हमको। हाँ तो इधर ये देखो, ये सब इन लोग ऐसे बैठे हुए हैं, हमारे पास में कुछ काम धंधे कुछ को कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए, तो बोल के हम लोग ऐसे पागलपन मस्ती कर रहे हैं। बिरयानी ओपन करेंगे, बिरयानी आ गई है, बस दोपहर का वक्त हो गया है, अभी खाना निकालते हैं। बच्चे कोई भी खाने को तैयार नहीं है और यह है हमारी मामी जो अभी बिरयानी निकालेगी। ये देखो बिस्मिल्लाह, टिक्का बिरयानी है। नहीं मैं बड़ा पाव सही में अच्छा था, मैंने भी दो खाई इसीलिए। मैं कभी नहीं खाती लेकिन मैंने खाई है। क्या पेट हम खाए थे बिरयानी? हां खाया ना, कितनी बार बनाते हैं अपन? तंदूरी नहीं, टिक्का बिरयानी मैंने खाई, तंदूरी खाई तो मामी, तंदूरी भी टिक्के वही ना, तंदूरी करके ही बनाते। मेरा हाथ लगा रही हूँ ताकि क्या, हाँ सादे चावल कम पड़ते हैं, हमेशा मसाला ज्यादा हो जाता है। हमें लाइव हमारे घर में बच्चे फोटोज निकालने के लिए परेशान करते, एक एक को मना के फोटो निकालना पड़ती है। कोई भी नहीं खाने को तैयार है। अभी ऊपर के घर में सब बच्चे वगैरह सब है, इसके लिए यहाँ पे है अभी। मतलब जा रहे हैं नीचे, ये देखो ये बच्चे देखो, ये इधर मोबाइल में है, ये बच्चे इधर गेम खेल रहे हैं। इधर आया हूँ और हम लोग हैं, ये देखो हमारे बच्चे सब पूरा देखो, ये देखो क्लिप कहाँ है आपका, सब निकाल दिए। तो शाम हुए अलमीरा है ना, कोई चीज नहीं लगती हूँ, कोई चीज नहीं रखती है, थोड़ी देर में सब चीजें निकालना शुरू करती है। मैं भी अभी ऊपर हूँ, अभी जाती हूँ नीचे और शायद सबको फोन कर दिया। अभी मैंने ईद का फोन भी नहीं की किसी को भी, सिवाय मेरी मम्मी चाची बड़े मम्मी के बात करने के, मैंने किसी को नहीं करी हूँ। तो अभी मैं जाके नीचे उनको फोन, बाकी सबको फोन लगाती हूँ। मुझे खा रहा, हमका हमारा फिनिश हो गया, हम लोग सब सेवा ही खा रहे, खाना वगैरह हमारा सब हो गया है। मैं हम लोग सब अभी रात के टाइम पे सेवा ही खा रहे हैं और बस अब ईद का ये व्लॉग यहीं पे ही एंड करेंगे। तो हम लोग का ईद का व्लॉग आज यहीं पे एंड करते हैं, सब हो गया है, खाना पीना हो गया, ऊपर का भी सब कुछ हो गया, उठा बिठा करके भी सब हो गया है। अभी कोई आएंगे ऊपर के घर में तो उधर ही ये करेंगे। अभी हम लोग आ गए हैं सब नीचे, सब चीज़ यानी सब हो गया हमारा काम यहाँ पे का भी। अब बस सेवा ही खा रहे हैं, खाना हो गया हमारा, अब उसके बाद हम लोग अपना व्लॉग भी एडिट कर देते हैं अभी। अगर सॉरी अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नए व्लॉग के साथ में, अल्लाह हाफिज़।